मध्य प्रदेश पुलिस को चाय फ्री में पीना पसंद है और अगर किसी गरीब दुकानदार ने चाय के पैसे मांग लिए तो पुलिस दुकानदारों को थाने में बंद कर देने की धमकी देती है। भोपाल में परवलिया थाना प्रभारी पर चाय की दुकान चलाने वाले एक गरीब ने चाय के पैसे न देने का आरोप लगाया है और गृह मंत्री बाला बच्चन के बंगले में अपने परिवार के साथ पहुंचकर इसकी शिकायत की है। पुलिस को चाय पसंद है और वो भी फ्री की। जनता की रक्षा करने वाले ही जब जनता का हक छीनने लगे तो क्या कहा जाए। परवलिया थाना प्रभारी अनीता प्रभा शर्मा पर आरोप है कि वह रोजाना चाय तो पीती हैं लेकिन गरीब चाय वाले को पैसे नहीं देती हैं। थाना प्रभारी पर करीब 3,000 रुपए की उधारी है। जब चाय वाले ने पैसे मांगे तो उन्होंने उसे थाने में बंद करने और दुकान हटाने की धमकी दे डाली। एक विकलांग बुजुर्ग महिला ने अपने पूरे परिवार के साथ इसकी शिकायत गृह मंत्री बाला बच्चन के बंगले पहुंचकर की। हालांकि बंगले पर बाला बच्चन तो नहीं मिले लेकिन उनके स्टाफ ने शिकायत लेकर परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पैसों का मामला है, पैसे मांगे तो उनको बुरा लगा, उन्होंने जो है दुकान वकान तोड़वाने की धमकी देने लग गई है। जैसे बोला कि दुकान का कागज ले गया। कब का मामला है? 3 दिन हो चुका है। पैसे क्यों मांग रही है वो? पैसे मैं मांग रहा हूँ, वो नहीं मांग रही। चाय की दुकान, चाय के पैसे मांग रहा हूँ। पुलिस फ्री में सामान लेती है तुम्हारे? पिलाई है ना, वो पैसे मांग रहा हूँ। कितने पैसे थे? पुलिस फ्री में सामान लेती है? 28,000 से 3,000। सामान लेते हैं, छोटी सी दुकान लेके बैठा हूँ, मैं क्यों फ्री में खिलाऊंगा? ये बच्चों के जेर दे दूँ घर में। तो तुमने इतनी धारी कर क्यों ली? मैडम ये नहीं, 25 बार पैसे का बोला मैंने। चाय दुकानदार माखन ने बताया कि बार बार पैसे मांगने पर टीआई को गुस्सा आ गया। उन्होंने धमकी देने के साथ ही उसे चाय की दुकान के कागज मांगे और अब आए दिन धमकी दी जा रही है। पुलिस के द्वारा उसकी दुकान को तोड़ने की बात कही जा रही है। दुकानदार का कहना है कि अगर मैं थाना प्रभारी से पैसे नहीं लूंगा तो अपने 2 बच्चों को क्या खिलाऊंगा? क्या मैं अपने बच्चों को जहर दे दूं? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।